ठीक है, इस तरह आपने टेप लगानी है। अब मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, पहले तो कर चुकी थी, हो गया था कामयाब, मुझे ये पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसकी फ्रॉक स्टिच करूँगी, उसके बाद इसकी मैं शर्ट स्टिच करूँगी। तो अब आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। जो जो कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सबको जवाब दूँ जो लोग कमेंट्स करते हैं। और एक बंदी ने मुझसे पूछा था कि लाम के जो होते हैं कपड़े वगैरह वो ठीक आते हैं, कहने लगी मुझे लगता है लोकल आते हैं। लोकल बिल्कुल भी नहीं आते, इतने फिट होते हैं, वहाँ सारे ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, आप लोग लाम से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और एज़ इट इज़ आपको चीज़ नज़र आ रही है ना स्क्रीन पर वही आपको मिलेगी। ठीक है, घबराना नहीं है, आपने बस ऑर्डर कर दें, आप इसी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, और जी सेकंड ये है, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ट्रेंडी डिज़ाइन के हवाले से कि आप लोग ईद पे देख के इस तरह के स्टिच करवा सकते हैं, कपड़े करवा सकते हैं के लिए इतना बड़ा सवाल आ जाता है मेरे दिमाग में कि आप लोग किस तरह पे करेंगे 3,000-4,000, और उसकी कटिंग भी ऐसी ही। आप लोग कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा खुद स्टिच करने की, जितनी स्टिचिंग जाती है उतने में भाई एक और सूट आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मार्केट जाके मुझे एक कपड़ा परचेज करना है, तो वो कपड़ा परचेज करते हैं और फिर मैं आपको आके दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है और कितने का लिया है। चले आए, मैं आ गई थी कराची की बहुत फेमस हैदरी की बाड़ा मार्केट, जो कि टाइम ज़ाया किए बगैर मैंने सोचा एक शॉप से मैं एक फैब्रिक देखकर गई थी, मैंने कहा कि वही लेना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बम्पर शेफोन कहा जाता है इसको, कराची में कहा जाता है ये, और हम लोग तो शेफोन क्रिंकल कहते हैं। थोड़ा सा कर लें नुकसान, वो फटा हुआ सारा बीच से कटिंग में निकलवा दो। ये कपड़ा मैंने लिया था 5 गज लिया था 650 के हिसाब से, और 3-3.5 गज आपकी शर्ट में लगेगा लॉन्ग शर्ट के साथ फुल स्लीव्स। और लॉन्ग शर्ट आपने स्ट्रेट नहीं रखनी, ए लाइन रखनी है, इसलिए स्लीव्स आपके अलग ही निकलेंगे। एक होता है ना कि शर्ट कटिंग हो रही है साइड से निकलाएंगे शोल्डर वाली साइड से, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऐसा सीन नहीं निकल रहे थे, और अच्छा हुआ कि मैंने ज़्यादा ही फैब्रिक ले लिया था। तो जी ये है शॉप का कार्ड, पहले भी मैं यहाँ से लेकर गई हूँ, ब्लैक फ्रॉक जो मैंने स्टिच की थी वो यहीं से ही मैंने कपड़ा लिया था, और इसके साथ मैंने इनर फ्रॉक स्टिच करनी है जो कि शिमर फैब्रिक मैंने लिया था, ये 2000 का लिया था ये मैंने 3 गज। तो जी इसके साथ मैंने कुछ लेसिस वगैरह मैच की, ये वाली बेल 150 रुपये गज वो दे रहे थे, तो मैंने 100 के हिसाब से 5 गज ले ली एहतियातन, 5 नहीं आपने 7 गज लेनी है, ये कम पड़ गई थी, मुझे अब कल जाना पड़ेगा मार्केट, ऊपर वाली शर्ट पे लगेगी है जो ये साथ में रखी हुई है। अभी तो मैं फ्रॉक की वीडियो स्टिच करके डालने लगी हूँ, इसमें भी इतने दिन लग गए स्टिच करते 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 करते, पता नहीं कभी ऐसा होता है कि ना दिल भर जाता है स्टिचिंग से, कटिंग से कुछ अलग करने का दिल करता है। तो जी यहाँ से मैंने दाल सेव लेकर खाई, बहुत चटपटी, बस बाज़ार में दिल करता है चुनमुन चुनमुन चीज़ें ना चलती रहें। तो जी मैं ये सामान लेके घर आ गई थी, एक ये शिमर फैब्रिक है जो कि ये मुझे अंदर इनर स्टिच करना है लॉन्ग फ्रॉक, और दूसरा ये कपड़ा है जो मैंने आपके सामने लिया है, ये पूरा खोल के दिखाती हूँ, ये इस तरह का है, सितारे बने हुए ना पूरे ऑल ओवर फैब्रिक, ये ऐसे सितारे बने हुए, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही फैब्रिक चाहिए था, और शुक्र है मिल गया ये। इसको कराची में बम्पर शिफॉन कहा जाता है, ये तो मैंने आज पहली दफ़ा ही सुना था। अच्छा ये देखिए, ये मैंने ना कुछ चीज़ें परचेज़ की थी जो कि दुपट्टे के लिए किरण थी, और ये अंदर जो इनर फ्रॉक स्टिच करूँगी नीचे उसके बॉर्डर पे लगाने के लिए, और दुपट्टे के लिए मैंने ये किरण ले ली थी, ये देखें पूरी 8 गज मैंने ये किरण ली है, और जो मुझे बॉर्डर के ऊपर लगानी है चंपा जिसको कहते हैं, वो मैट गोल्ड मिल नहीं रहा था ना, वो कहीं और से ही मिलना था, तो 2-3 दिन में ही वो मुझे मिला है, वो परचेज़ करके लाई मैं, फिर मैंने स्टिच करके ये वीडियो डाली है। अच्छा ये शर्ट के लिए ऊपर जो शर्ट स्टिच होगी, ठीक है, ये जो सितारे लगे हुए हैं इसके लिए मैंने ये बेल ली है, ये 5 गज ली है, लेकिन ये ना मुझे कम लग रही है, मुझे दोबारा परचेज़ करने जाना है जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उससे पहले मुझे मार्केट जाना है इसके लिए।
अच्छा ये देखें, ये इस तरह की लुक आ रही है अंदर, शिमर फैब्रिक का देखें टच दिया है जो इस तरह का लग रहा है ना ये। और जी ये दूसरा कपड़ा जो है हम साइड पे कर देते हैं, पहले तो मुझे ये यूज़ करना था लेकिन उसको आप कर दें साइड पे, हम इन दोनों को ही स्टिच करेंगे। चलें आए अब हम करते हैं स्टार्ट कटिंग और स्टिचिंग। फिर पहले मैं शिमर की फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग बता दूँ, बाद में उसकी सितारों वाली की लॉन्ग शर्ट के साथ आपको मैं वीडियो शेयर करूँगी, आपने मिस नहीं करनी है, आपने वीडियो पूरी देखनी है, ये पार्ट वन है इस वीडियो का। अच्छा ये जो बेल है सिर्फ मैंने स्लीव्स के लिए ली थी, वो जो लटक रहे हैं छोटे छोटे से, वो सिर्फ मैंने एक गज़ी ली थी स्लीव्स के लिए, तो बस। और ये है कि चले अब हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा ये जो मैंने शिमर फैब्रिक है इसका ना बर काफ़ी बड़ा था, आपने ना इसको डबल फोल्ड करके और फिर आपने उसको दोबारा डबल करना है, ये फोर्थ अप्लाई हो जाएगा ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है मुझे वो 43 इंच चाहिए, ये 46 है तो मैंने पूरा ही रख लिया था। तो जी 7 इंचज़ पे आपने ये निशान लगाना है पूरा नीचे तक, ये जितना आपका आर्म होल होगा आपने अपने साइज़ के हिसाब से पूरी मेजरमेंट इसकी कर लेनी है। ये मैंने एहतियातन ही मार्किंग की है क्योंकि मुझे यहाँ कली लगानी है, इससे ये आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से आपने कली लगाना स्टार्ट करनी है। वैसे तो मैंने पूरी शेप दे ली थी अंडर आर्म की गुलाई से। अब आपने ये करना है मेन कटिंग, अब जो करनी है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये 18 का मैंने निशान लगाया, 18 इंच का, यहाँ से भी मैंने 7 इंच पर निशान लगाया। बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसकी कटिंग देनी है, मतलब जो मैं फ्लेयर है ना वो वेस्ट से लाना चाह रही हूँ फ्लेयर, ऊपर से आपने स्ट्रेट कटिंग करके कलियाँ ज्वाइन करनी है। इस तरह आपने ये 18 तक स्ट्रेट कटिंग की थी और फिर ए लाइन शेप में आपने ऐसे कटिंग देनी है, ये हिस्सा उठा के 4 पार्ट्स जो हैं ये इसके, ये उठा के आपने यहाँ ऐसे ये कली ज्वाइन कर लेनी है और यहाँ से आपने 5 इंच छोड़ के कली लगाना स्टार्ट करनी है ऊपर से। फिर आप ये है कि कली रख के अपनी शेप दे लीजिएगा वेस्ट की, हिप की, नीचे हिप तो नहीं आएगी काउंट नहीं होती, बस वेस्ट देख के ना बिल्कुल ए लाइन शेप आप दे दीजिएगा इस फ्रॉक की। फिर नीचे से आपने देखना है, इसकी नीचे से भी आपने गुलाई देनी है, ये देना मत भूलिएगा वरना इतनी बुरी लगती है फ्रॉक। फ्रॉक तो मेन मकसद ये होता है ना नीचे से राउंड में हो, हम घूमें तो इतना मज़ा आए, फुल ऐसे खिलती है, तो आपने नीचे से कटिंग ज़रूर देनी है गुलाई में। तो हम कलियाँ ज्वाइन कर लेते हैं सारी, सारी कलियाँ ज्वाइन करने के बाद आपने नीचे देखना है, ये ज़ाहिर है उरेब में था तो नीचे ऊंचा नीचा आपकी कली होगी और आपने इसको यहाँ से ऐसे क्लियर कर लेना है पूरा। अच्छा कलियों वाली फ़्रॉक हो, 6 कलियों वाली, 8 कलियों वाली, ये तो 2 कलियों वाली फ़्रॉक थी, 2 फ्रंट पे 2 बैक पे, तो इसके लिए ना ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, इसको बिछा के कटिंग करो तो बेस्ट होती है। ये देखिए इस तरह बिछा के आपने घुमा के ऊपर रख के इस तरह आपने कटिंग देनी है, ये देखें ये अब इसका बहुत प्यारा शेप बना था गुलाई में, ये देखें। गला जो है चोरस मैंने 6x6 का रखा था, ये 6x6 का गला प्रेस बुकरम पे करके आपने ज्वाइन करके इस तरह कट ज़रूर लगा लिया करें, जहाँ कर्व आ रहा हो ना गला लगाने के बाद वहाँ कट लगाएंगे, बहुत फिनिशिंग से सिलाई वगैरह मुड़ जाती है ठीक है। यहाँ पे आपने इसको आयरन कर लेना है, इस कपड़े को कभी भी आपने सीधी तरफ से आयरन नहीं करना, उल्टी तरफ से करना है हमेशा। तो ये जो नीचे से हमने गुलाई शेप दी थी फ्रॉक की, इसको आधा आधा इंच आपने पूरा राउंड में इसको सिलाई कर लेना है, ये देखें इस तरह से, ये गुलाई थी तो इस तरह हल्का सा ना ये बल नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें ये अभी कोई भी चीज़ नीचे लगेगी ना, मतलब कोई भी बॉर्डर वगैरह बेल वगैरह बड़ी अच्छी सी इसकी लुक आ जाती है, ये इसको ना पूरा कवर कर लेती है। तो नीचे ये मैं जो लेकर आई थी ये मैंने लगाया इस तरह पूरी लगा के, उसके बाद जी अच्छा आपने स्लीवलेस कोई भी शर्ट स्टिच करनी हो उस पर ना आपने इस तरह की रेब में मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको आपने यहाँ से फोल्ड करके फिर पूरी गुलाई से अंडर आर्म्स इस तरह ज्वाइन कर लेने हैं, इस तरह ही लगाएगा, ये बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन बिल्कुल भी आप ना देखिएगा। ये पहले ना मैंने किसी और तरह से लगाई थी
तो ये देखें, ये सबसे आसान तरीका है, इस तरह डबल फोल्ड करके बस आप यहाँ पे सिलाई कर लें। एक्स्ट्रा जो भी बढ़ रहा हो धागे धुगे इनको काट के ना आपने बस लगा दें सिलाई। चलें अब आ जाती है इसकी बारी, ये है धनक। मुझे बॉर्डर पे ये लगानी है, चार चार लाइंस इसकी ना, या तीन हो जाएं चार हो जाएं, देखती हूँ। मैं थक जाऊँगी तो तीन रहने दूँगी, नहीं थकूँगी तो चार लगा लूँगी। चलें देखते हैं। अच्छा ये ना मैं धनक ज्वाइन कर रही थी इसको ना, मैं मुझे फिर दिमाग में आया कि ना मैंने जो ट्रिक पहले ट्राई किया हुआ है तो उसको दोबारा किया जाए, क्यों ना। ये आपको ट्रिक ना कोई भी नहीं बताएगा, ना ही मैंने कहीं से देखा है, ये मैंने खुद ही दिमाग लड़ाया कि भाई कुछ होना चाहिए, बीच में फंस जाए धनक और कपड़ा ही पकड़ूं और मशीन चलती रहे और बस सिलता रहे खुद ही खुद ही। तो जी इस तरह आपने टेप लेनी है, इसको आधी कर लेनी है, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। जिस तरह बस मैं कर रही हूँ आपने ना इस तरह कॉपी पेस्ट मार लें। ये देखिए बीच में आपने इतना सा कट देना है जितनी आपकी ये धनक होगी, जितनी चौड़ाई होगी इस धनक की। बीच से आपने, बीच में से टेप के ये धनक पूरी गुजार लेनी है आपने, जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये देखें ये इतना आसान है, लाई जाओ सिलाइयाँ, लाई जाओ सिलाइयाँ, अन्नी वाह। तो ये देखें पूरा निकालने के बाद इसको, ये जो आपका बूट है मशीन का, आपने इसको नीचे से घुमा के ऐसे लाना है टेप को, उसके ऊपर लपेट देना है। ये देखें इस तरह। चले मैं आपको थोड़ा सा ना क्लोज करके दिखा दूँ कि ये किस तरह लिपटा हुआ है, देखें। ठीक है इस तरह आपने टेप लगानी है। अब मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, पहले तो कर चुकी थी, हो गया था कामयाब। अब देखते हैं, मुझे थोड़ी सी चौड़ी लग रही है टेप ना। चलो जी 1 2 3 गो। हो गया कामयाब ये हमारा काम, अब मुझे ये पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से ये हो गई थी मेरी फ़्रॉक रेडी। मैं आपको ये बता दूँ, आपने इस तरह की फ़्रॉक स्टिच करनी है, बैक साइड जो है ना राउंड में आपने गला कटिंग करके नहीं काटना, ना स्टिच करना है। इसी तरह का आपने स्टिच करना है, ये आगे की तरफ नहीं आएगा ये गला, आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं आता ये गला, आप झुकें या जो मर्ज़ी करें। ये जो स्टाइल है ना इस फ्रॉक का और ऊपर शर्ट आएगी, उस लिहाज से मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपने बैक साइड का इस तरह स्टिच करना है। तो इसका काफ़ी खूबसूरत इसका फ्लेयर था इस फ्रॉक में। इस कलियों में मेहनत कम है कलियों में, लेकिन फ्लेयर बहुत प्यारा इसका ना बना है। ये जो फ्रॉक मैंने स्टिच की है, ये मैंने आयरन बिल्कुल भी नहीं की, मैंने कहा जब पहनूंगी ऊपर वाली शर्ट मेरी स्टिच हो जाएगी, फिर एक साथ ही इसको ना अच्छे से आयरन करके फिर पहन के आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा था। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही देना आज आप। चलें दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।